देखिए चुनाव ऐतिहासिक और एक तरफा है। गोली चली, गुंडागर्दी हुई, तो वो सपा की सरकार होती है, भाजपा में नहीं होती है। ये केवल दिखावा होता है, बहकावा होता है, और जब भी चुनाव आता है दोनों एक होते हैं। आप देखे थे 22 में सब एक थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, तो क्या कर लेंगे। शकुनी चश्मा जानते, उसी की चाल थी, उसी ने अखिलेश को समझा के भेजा था कि आप चले जाइए। वो जानते थे कि सतपाल सिंह बोले मन जाएंगे। नेताजी का आशीर्वाद सबके पास है। जब माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया उन्होंने, उन्हीं का तो आशीर्वाद काम कर रहा है। नेताजी का आशीर्वाद है, मैंने तो मत्था टेकने गया था। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को कवर करने के लिए, और मैनपुरी का करहल विधानसभा है ये जहां हम खड़े हैं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली अभी अभी खत्म हुई है। हजारों की तादाद में लोग उनको सुनने आए थे, साथ ही पूरा कैबिनेट उनके साथ मंच पर मौजूद था। अखिलेश यादव का यहां से विधायक हैं, इसलिए भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर ये करहल विधानसभा का वोट कन्वर्ट होता है भाजपा के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जीत होगी भाजपा के लिए। बहुत सारे लोग हैं, हम बात करते हैं, रामशंकर कठेरिया जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रामशंकर कठेरिया जी मौजूद हैं। सांसद जी, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पे। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए चुनाव ऐतिहासिक और एक तरफा है, और इसलिए है कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में भी बहन जी खुद आई थी नेताजी के समर्थन में, तब 90,000 से जीते थे। आज जब चार कार्यकर्ता बसपा के सपा के कार्यक्रम में जाते हैं, तो वो निकाल करके मैसेज देती हैं कि पूरा बीएसपी का वर्कर, पूरा दलित समाज बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव गली गली का दौरा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि हम जीतेंगे नहीं। क्या लगता है कि नेताजी का सिंपैथी वोट मिलेगा सपा को? जितना सिंपैथी वो उनको मिलेगा, उससे ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। कितने कितने वोटों की मार्जिन देख रहे हैं आप? मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर। तो कठेरिया जी कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों की मार्जिन से वो इस जीत को देखेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, कुछ नेतागण और मौजूद हैं, कुछ सांसद और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। सांसद रज्जू भैया जी हैं, किस तरीके से देखते हैं अगर अभी योगी जी जनसभा करके निकले हैं? देखिए यहाँ का माहौल बहुत पहले से अच्छा था, और आज माननीय मुख्यमंत्री के आने से माहौल और अच्छा हो गया है, और इस बार निश्चित रूप से 2 लाख से भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव गली गली का दौरा कर रहे हैं, पहली बार तो कभी नहीं, पहला तो कभी नहीं किया, इस बार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं नहीं जीत सकता, मेरा परिवार नहीं जीत सकता, इसलिए उनके आदमी मरता क्या नहीं करता, वो हाथ पैर सब जगह फेंक रहे हैं, गली में भी फेंक रहे हैं, मोहल्ले में फेंक रहे हैं, इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। आजम खान उधर कह रहे हैं कि प्रशासनिक दबाव से सपा के वोटरों को बिखराया जा, बिखा घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, निष्पक्ष मतदान होता है तो बीजेपी में होता है, और बिना निष्पक्ष चुनाव अगर हुआ, भेदभाव हुआ, गोली चली, गुंडागर्दी हुई, तो वो सपा की सरकार में होती है, भाजपा में नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथ सांसद जी रज्जू भैया, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन लगभग 2 लाख वोटों से वो जीतेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं, सुब्रत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी, किस तरीके से आप इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि आज योगी जी ने जनसभा की है? देखो जिस प्रकार से योगी जी की जनसभा में आज जो जनसैलाब आया है, और मुझे बताया गया कि करहल में इससे पहले कोई भाजपा की कभी मीटिंग भी नहीं हुई, तो यहाँ जिस प्रकार का एक इतना भय और आतंक का माहौल हुआ करता था, वहाँ पर इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ के आया है, तो आप समझ सकते हो कि मैनपुरी में परिवर्तन की बयार है। जाटा वोटर की बात हो रही, बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं है, जाटा वोटर कंफ्यूज है कि वो किधर जाए? देखो यहाँ 1.5 लाख जाटा वोटर है यहाँ। देखो जो जाति की बात करता है वो समाज को बांटने की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को सदैव जोड़ने की बात करती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए 2014 के बाद दिल्ली में, 17 के बाद से उत्तर प्रदेश में सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए बनी है, वो योजनाएं पात्रों तक पहुंची हैं, और बगैर किसी भेदभाव के पहुंची हैं। मैंने वो समाजवादी पार्टी में है, बहुजन समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में है, किस पार्टी में, कभी ये हमने लोगों ने देखा नहीं। हाँ, जो पात्र है उस पात्र को मिलना चाहिए, और ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ, न तो सपा की सरकार रहते तो कभी ये सब संभव ही नहीं था। डिम्पल यादव को पिछली बार आपने हराया था, क्या लगता है कि इस बार साकी जी हरा पाएंगे? देखो डिम्पल यादव को अब चूंकि मैं लड़ा था तो श्रेय मुझे जाता है, लेकिन चुनाव मैंने नहीं हराया था, मेरी तो हैसियत क्या इतने बड़े आदमी से लड़ने की, वो तो वहाँ की जनता ने, कन्नौज की आम जनता ने उनको चुनाव हराया था, और मेरे जैसे साधारण आदमी को चुनाव जिताया था। ये लोकतंत्र में परिवारवाद वंशवाद का विरोध था जो मैं जीता था। आपको लगता है अखिलेश और शिवपाल के एक हुजारे से कुछ सपा का जो काडर है वो पुराना लौट आएगा, मजबूत होगा, जिससे भाजपा को दिक्कत होगी? क्या पहले से अखिलेश शिवपाल सिंह क्या कांग्रेस में थे? नहीं, प्रसपा उन्होंने अलग होके मनाई,
उसके बाद दोनों की जो गुटबाजी थी वो सामने नजर आई थी। ये केवल दिखावा होता है, बहकावा होता है, और जब भी चुनाव आता है दोनों एक होते हैं। आप देखे थे 22 में सब एक थे, उसके बाद युद्ध भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या कर लेंगे। तो सुब्रत पाठक जी कह रहे थे कि अब जो है चाचा भतीजा एक हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं हरिओम सिंह यादव जी, जो मुलायम सिंह यादव जी के समधी भी हैं। हरिओम जी, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? सपा परिवार के काफी करीबी हैं। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आज जिस तरह से विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ, ऐसा विशाल जनसमूह कभी नेताजी के लिए इकट्ठा होता था, और उसी में माननीय महाराज जी को हम बधाई देंगे कि उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी, नेताजी के प्रति अच्छे भाव प्रकट किए। इतना सम्मान उनका परिवार नहीं कर पाया जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी का किया, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आपको लगता है नेताजी का कुछ सिंपैथी वोट डिंपल की तरफ जाएगा? देखिए, नेताजी को सिंपैथी नेताजी कहां ने छोड़ी। नेताजी को 2017 जनवरी में अपमान कर दिया था, पूरे देश ने नेताजी का अपमान किया था, और आज नेताजी की सिंपैथी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप पारिवारिक हिस्सा हैं, लेकिन सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, क्या कुछ वजह रही? देखिए, ये इन्होंने किसी सम्मानित आदमी को, नेताजी के जो करीबी लोगों को, उनको छोड़ा नहीं, अपमानित किया है। नेताजी को अपमानित किया तो दूसरे को क्या छोड़ना। सतपाल सिंह को अपमानित नहीं किया क्या? हम लोगों को अपमानित नहीं किया। रघुराज साक तो मूलतः समाजवादी पार्टी को, उसे अपमानित नहीं किया। इनको ये मंथन करना चाहिए कि हमारे लोग को हम अपमानित कर रहे हैं, जो लोग दूसरे दलों के लोग उनको सम्मान दे के ले जा रहे हैं। तो ये गलती किन की है? ये गलती तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की है कि अपने लोगों को क्यों ठुकरा रहे हैं। अखिलेश और शिवपाल दोबारा एक हो गए, वो कह रहे हैं कि हम बहू ने आधी रात को फोन किया, इस वजह से मुझे आना पड़ा। देखिए, वो पारिवारिक मामला है। शिवपाल सिंह भोले आदमी है, बड़े नेता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चाल शकुनी की थी, चश्मा की, समझते हैं? शकुनी चश्मा को जानते हैं? उसी की चाल थी। उसी ने अखिलेश को समझा के भेजा था कि आप चले जाइए। वो जानते थे कि शिवपाल सिंह भोले मन जाएंगे, कहीं कहीं रामगोपाल यादव की तरफ इशारा। हाँ, उसका वो, आपको लगता पार्टी को वो खराब कर रहे हैं? पार्टी बर्बाद कर दी, पार्टी नहीं बर्बाद की, नेताजी का घर भी उसने बर्बाद कर दिया। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी नेताजी के परिवार से निकाल रहा है। देखिए, नेताजी का अपमान किसने कराया? ये तो ये घटना हिंदुओं में या तो कंस ने की थी कि अपने पिता को कैद में रखे और गद्दी छीनी थी, या रामगोपाल ने अखिलेश के द्वारा नेताजी का अपमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी से छीना। तो नेताजी की आत्मा इन्हें आशीर्वाद देगी, सवाल ही नहीं है। तो मुलायम सिंह यादव जी के समधी हरिओम सिंह यादव जी थे, जो कह रहे थे कि रामगोपाल यादव जिन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। तो रघुराज जी, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, जनता का जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है, जितना कहता उत्साह, तो हमने लोकसभा दो बार रहा हूं, कभी उत्साह नहीं मिला। आज इतना उत्साह, माननीय महाराज जी आज आए थे, प्रदेश के मुखिया, जनता का कितना उबाल है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है मैनपुरी में, वो परिवर्तन चाहती है, वो चाहती है किसान का वोटा पहुंचे, जो कम से कम हमारे सुख दुख में रहे। ऐसे लोग ना आए, उन्हें दर्शन को भी तरसें। समय अगर लेने हैं तो कम से कम एक घंटे, एक दिन मिले, दो दिन बाद मिलेगा, तीन दिन बाद मिलेगा, वो सब जानती जनता। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, और जनता से कोई समझदार भी नहीं है। जनता एक ऐसी अदालत है, एक रिक्शे वाले को ऊपर बैठा देती है, उग राजा को नीचे गिराने का काम करती है। आपको लगता है कि नेताजी को सिंपैथी वोट मिलेगा? नेताजी सिंपैथी रघुराज सिंह के साथ पास नहीं है, बहू के लिए। अरे तो हम नहीं, नेताजी का आशीर्वाद सबके पास है। जब माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया उन्होंने, उन्हीं का आशीर्वाद काम कर रहा है। नेताजी का आशीर्वाद है, मैंने तो मत्था टेकने गया था, नहीं हमने आशीर्वाद लिया। बिल्कुल, चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले आप पहुंचे, मत्था टेका हमने, तो आशीर्वाद लिया, तो शिष्य को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं नेताजी का। कितने वोटों से मार्जिन देखते हैं आप? हमें जितने उत्साह है जनता में, ये जनता से पूछने का काम करे। इतिहास बदलने का काम जा रहा मैनपुरी में, जनता मैनपुरी के इतिहास बदलने का काम कर रही है। जब रिजल्ट 5-5 को वोट पड़ेंगे, वो 8 को जब खुलेगा, तो आपको ये पता चलेगा जनता ने इतिहास बदलने का काम किया है, एक परिवर्तन बदलाने का। प्राथमिकताएं क्या होगी अगर आप सांसद बनते हैं यहाँ से? देखिए, यहाँ मूलभूत समस्याएं, एक तो जो इन्होंने कहते थे सेंपई के आसपास के अलावा गांव में जाइए, रोड है क्या हालत गांव में? गांव में कितनी है, इतने रहने की सत्ता, यहाँ विधायक रहे, प्रमुख रहे, सब कुछ रहे, क्या हाल बताइए गांव में? सड़कें नहीं है, वो सबसे हमारा रोजगार के लिए कोई ऐसा यहाँ खोला जाए जिससे लोगों को रोजगार। हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री से, तमाम कोई बड़े उद्योगपतियों से बात करेंगे, वो स्वास्थ्य के लिए एक हार्ट की व्यवस्था जो होना चाहिए,
बड़ा मेडिकल कॉलेज मैनपुरी, हमने कल भी बात की थी स्वास्थ्य मंत्री जी से परसों, तो ये व्यवस्था होना चाहिए मैनपुरी के लिए। हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं इस नगरी, तो बड़ी जो समस्या, हम तो अब सेवक हैं, हम जानते हैं, हम गांव से निकल के आए किसान के बेटे हैं, क्या समस्याएं जनता की होती हम सब जानते हैं, वो उठाने का काम करते हैं। रोजगार के कुछ मुद्दे हैं, रोजगार माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई करने का काम कर रहा, माननीय योगी जी से करने, पहले क्या एक परिवार में जाते थे, अब उसको सब जगह सबको मिलने का काम कर रहा। कल एक बच्चा मिला साहब, देखो पुलिस की भर्ती में भर्ती हो गए, पहले तो नंबर ही नहीं, कल ही वो वोट मांगते हुए, पहले हमारा नंबर ही नहीं आता था, अब आराम से भर्ती, कोई सिफारिश नहीं, कोई बात नहीं, तो ये सब खत्म हो गया है। यहाँ सब जनता समझदार है मैनपुरी की। तो रघुराज सिंह साहब के जी थे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी है, जो कह रहे थे कि कोई मुद्दा यहाँ अभी बचा नहीं है। तो ये जनसभा थी करहल में, अखिलेश यादव का यहाँ से विधायक है, उनका क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसलिए जनसभा की यहाँ पर ताकि अखिलेश के जो वोटर हैं उनको तोड़ा जाए, उनको मोड़ा जाए। लेकिन इसके नतीजा क्या होगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा, 5 दिसंबर को वोटिंग है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे थे। हम भी रामपुर खतौली को कवर करने के बाद आज मैनपुरी पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता थे, मंचा सिंह, राकेश सचान हो, सुब्रत पाठक हो, असीम अरुण हो, या और इस तमाम मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री, मंत्री खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मौजूद है। खतौली नहीं गए ये लोग जनसभा करने, ये लोग रामपुर नहीं जा रहे हैं जनसभा करने, लेकिन अखिलेश का जो गढ़ है करहल मैनपुरी, ये जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसके किले को निस्तनाबूद करने के लिए भाजपा पूरी जोर तोड़ से जुटी हुई है। क्या होगा नतीजा 8 दिसंबर को पता चलेंगे, तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।